Hey guys, press the bell icon and never miss a video from the NVT. हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूं अभी भोपाल में नवीद भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शादाब भाई, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अपना जो फार्म है ये भोपाल में किस जगह पर है? ये अपन जो है सीहोर रोड पे जो जाते हैं, कैंपियन स्कूल आता है सीहोर रोड पे, जस्ट अवे फ्रॉम बैरागढ़, 4 किलोमीटर पड़ता है फ्रॉम बैरागढ़। ओके, ये प्रॉपर लोकेशन, ये कैंपियन स्कूल से जस्ट अपन 100 मीटर आगे आएंगे तो एक भोरी जोड़ आता है। भोरी जोड़ से 300 मीटर अंदर है, जैसे आप सामने की तरफ देखेंगे तो आप हाईवे से गाड़ी आते जाते हुए दिख रही है जी, बिल्कुल 300 मीटर ही अंदर है जी। और बैरागढ़ से 4 किलोमीटर कोयफिजा या अपन सिटी से लेते हैं तो 10 किलोमीटर पड़ता है, तो 10-15 मिनट्स का रन अवे है ये। ओके, तो ये भोरी जगह के अंदर ही आएगा ना? जी हाँ, भोरी में आएगा, भोरी जोड़ के लाता है। गांव तो बहुत बड़ा है, काफी आगे तक है गांव, बट ये भोरी जोड़ के स्टार्टिंग पे है जी। स्टेटस रिसोर्ट है, बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं, थ्री स्टार रिसोर्ट है जी। उसका भी आपको मैं दिखाता हूँ, है ना, तो उसके जस्ट सामने ही है ये जी। और अप्रोच में ये जो है ना बहुत बढ़िया है, और एनी सीजन गर्मी बारिश जैसे जनरली होता है क्या, फॉर्म्स वगैरह जो होते हैं बारिश में पहुंचने में उसमें काफी दिक्कत परेशानी होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जी। आप अपनी कार से, मैं अपनी कार से डेली आता हूँ यहाँ पर। तो कितने स्क्वायर फीट में अपना पूरा फार्म? ये फार्म तकरीबन आपको 30,000 स्क्वायर फीट में है पूरा। ओके, अपना मेन जो मकसद है वो है इसे रेंट पे देना। हाँ, रेंट पे देने का। इसमें दो पार्ट में है ये फार्म, एक तो ये हम गाइडिंग वगैरह कर रहे हैं वो भी है, और दूसरा हमने जो शो किया कुछ मुर्गी, देसी मुर्गे, असील के मुर्गे और बकरे पालने के लिए हमने अलग से शेड बनाया है, 1500 स्क्वायर फीट का शेड है, वो भी आपको मैं दिखवाता हूँ अभी। ठीक है, और उसमें कवर्ड कैंपस है कि जानवर आपके बाहर नहीं जा सकते, इवन मुर्गा मुर्गी भी आप रखेंगे तो वो कवर्ड कैंपस जाली से मैंने इसको कवर्ड कर रखा है, वो तकरीबन 3000 स्क्वायर फीट में है। ओके, और मुर्गी का और स्टोर रूम अलग है, जो आप जानवरों का दाना वगैरह या भूसा इस तरह का जो रखना चाहे, स्टोर रूम भी बना हुआ है इसमें 1000 स्क्वायर फीट के समथिंग, एक अलग पिंजरा बना हुआ है या मुर्गा मुर्गी के लिए या बकरों के लिए, एनीवे जो आपको सुटेबल हो उसमें आप अपन देखते हैं, देख के थोड़ा और समझ में आएगा। राइट, ये गेट अपना सेपरेट गेट है जी, जी। आप यहाँ मतलब कोई आ नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है ना, पूरा अपना ताला वगैरह लगा के वो पूरी बाउंड्री वॉल वगैरह बनी हुई है। ये अभी फिलहाल तो क्या है, मैंने गेहूं वगैरह लगा रखे हैं, इसमें आम के पौधे, अमरूद, अनार ये सब लगे हुए हैं, वो आगे गार्डन भी थोड़ा सा उठने बैठने की लॉन वगैरह भी बना रखा है जी। इसमें दूसरा एक बेनिफिट शायद भाई और भी है कि मेरे पास इसमें सर्वेंट मैंने रखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, ये पिछले 3 साल से मेरे साथ में है, पूरी फैमिली के साथ है और बहुत ही रिलायबल है जी, और इस चीज की तो मैं गारंटी लूंगा अगर कोई लेता है, बात है। तो आगे भी यही रहेंगे अगर कोई रेंट पे लेता है वो तो? कोई रेंट पे लेता है तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता ओके, है वो उनको रखे या अपना खुद लेके आए सर्वेंट, तो अगर वो ये लेता है तो मैं समझता हूँ क्योंकि वो इस जगह से वाकिफ है, वेल नोन, बिल्कुल, और उसकी मतलब ईमानदारी की और उसकी
तो गारंटी में ले सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है, है ना। तो ये आसानी है उनके लिए, ये काफी आसानी है उनके लिए जी। और इसमें शायद भाई एक चीज मैं आपको और बताऊँ, जैसे आप ये देखना इसमें अभी हाल फिलहाल गेहूँ लगा हुआ है, तो अगर जैसे प्रोफेशनली कोई काम करना चाहता है तो इसमें क्या है, अपना बकरियों का अनाज मतलब चारा वगैरह भी लगा सकता है। जी जी, है ना जी। इसमें ये बेनिफिट है कि चारा उसके लिए फ्री हो जाएगा जी। ये चारे की जो जगह है कितने स्क्वायर फीट होगी? ये तकरीबन 25,000 स्क्वायर फीट के समथिंग है। ओके, चारा जहाँ लगा है। 5,000 स्क्वायर फीट में मैंने अपने दो रूम सर्वेंट के लिए और अपने लिए बना रखे हैं, और लेटरिन बाथरूम सेपरेट है, सेपरेट मतलब अपना लेट बाथ सेपरेट है और अपना सर्वेंट का सेपरेट है लेट बाथ, उठने बैठने के लिए अपना कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो कोई छोटी मोटी पार्टी शार्टी है चाय वाय के लिए, तो उसके लिए लॉन भी बना हुआ है। बिल्कुल जी। और दूसरी चीज आपको बताऊं, इसमें दो बोर है, okay, फुल पानी है, माशाल्लाह। हाँ, बहुत बढ़िया है ना, बोर भी है ये। ये देखिएगा आप, ये पाइपलाइन पूरी अंडरग्राउंड मैंने बिछा रखी है जी, जी। तो इसमें सात, ये वॉल देख रहे हैं आप, ये सात वॉल दे रखे हैं मैंने जी। जब भी जहां जहां जैसे वॉल पे पानी देना हो जरूरत के हिसाब से जी। ये देखिए आप, बोरिंग है ये जी जी, वो फुल पानी है। और बिजली के लिए भाई, बिजली 24 घंटे रहती है। हाँ, इसमें दो है, 24 आवर्स की लाइन है और एक जो है जो किसानी लाइन होती है जनरली अपने 12 आवर्स की जो होती जी है जी, वो भी है, दोनों ओके, मतलब दोनों ही है जी। तो शायद भाई इसमें एक बेनिफिट और मैं बताऊँ आपको, मैंने इसमें कैमरे वगैरह भी लगा रखे ओके, सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरा वगैरह पूरी लाइन है। ये देखिए आप ऊपर जो है ये सर्च लाइट लगी है, कैमरा दिख रहा होंगे आपको जी। हाँ, अभी दिख रहा है, थोड़ा सा वो सफाई नहीं है उसकी जी जी, और जनरली जाले वगैरह लग रहा है उसमें जी जी। तो इस पे सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी हैं, आप चाहें तो वो भी यूज में ले सकते हैं, यूज ले सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। बढ़िया है जी। ये शेड में अंदर जाने के लिए रास्ता है, ये शेड में अंदर जाने के लिए रास्ता है ये पूरा जी। ये टाटा यार्ड है पड़ोस में, टाटा यार्ड का ये यार्ड है पूरा, है ना, उसी से लगा हुआ अपना ये। तो वैसे यहाँ अभी बंद है क्या, काम चालू नहीं, नहीं है? काफी टाटा यार्ड है, इनकी जो खिंची भी या खराब गाड़ियों वगैरह जो होती हैं वो यहाँ पर आके रखाती हैं जी। अब यहाँ से जो है अपना कवर्ड एरिया शुरू हुआ है जी जी। सबसे पहले ये स्टोर रूम है अपना, ये अपना अपने लिए रूम लगा रखा है मैंने। ओके जी जी जी। ये चूल्हे वगैरह है, जैसे हम लोग कोई दोस्तार वगैरह आता है तो इसी पे मतलब भाई देसी स्टाइल में ये खाना बनाते हैं। तंदूर भी रखा हुआ है, आप तंदूर भी देख रहे हैं माशाल्लाह जी। ना जी जी। ये हमारा लॉन है जी जी, इसी में बैठते हैं, ये गुलाब वगैरह लगा रखे हैं हमने थोड़े बहुत शौकिया इस तरह से जी। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह शादाब भाई कितना जबरदस्त फूल है जी। हाँ माशाल्लाह, काफी बड़ा साइज है, गुलाब ही है जी। हाँ जी हाँ, गुलाब है माशाल्लाह, बहुत बड़ा साइज है जी। ये देखिए शायद भाई, ये एक और गेट बना रखा है कि जानवरों का यहाँ से जो है सेपरेट है बिल्कुल। ओके, ये अपना पूरा कवर्ड कैंपस जी है। जी जी जी, ये कवर्ड कैंपस है। ये कितने स्क्वायर फीट होगा पूरा एरिया? ये एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, कह सकता फिर भी तकरीबन कुछ नहीं तो 3.5, ये मतलब शेड जो देख रहा है ये सब मिला के 3,500-4,000 स्क्वायर फीट के समथिंग है ये। ठीक है, और ये 1,500 स्क्वायर फीट का जो पक्का जो शेड है ये अलग बना रखा है। ठीक है, इसमें कैबिन्स वगैरह भी मैं दिखाता हूँ आपको सब बने में जी। ये देखिए साहब, शौकिया मैंने मुर्गे रख रखे हैं, ये देसी मुर्गे हैं। हाँ, देसी और कड़कनाथ मुर्गे हैं, काफी क्वान्टिटी में है। ये देखिए आप, ये शौक में रखे हैं आप? ये सब शौक में रखे हैं मैंने। बढ़िया जी जी। और इसके लिए ये रूम किस लिए है? अच्छा, ये आप ये देख रहे हैं ये स्टोर रूम है ये, तो इसके लिए जो भी आपका भूसा वगैरह पत्ती दाना वगैरह कुछ रखना है आपको तो उस पर्पस से है ये। चलिए, वो तो बहुत बढ़िया है, इसी से लगा वो ये देखा। बारिश में ज्यादा दिक्कत आती है सब स्टोर करने के लिए, अगर ज्यादा जानवर है तो। हाँ, तो वो कोई दिक्कत नहीं, अपने पास दो शेड है, ये सामने भी देखना है, इसमें भी, इसमें भी आप स्टोर रूम भी बना सकते हैं, जानवर भी रख सकते हैं, है ना, जो जैसा आप चाहे। ठीक है, और अपने पास इतना ये 3,500 स्क्वायर फीट का ओपन है जी, इसमें अगर कुछ करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं काम जी जी, तो बढ़ा भी सकते हैं बिल्कुल से अपने पास। ठीक है, और इसमें दूसरा बेनिफिट क्या है कि अगर जानवर अपन ने यहाँ छोड़ दिए खुले तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर नहीं निकल सकते, पूरा कवर है ना, फुल कवर्ड है जी जी।
ये अपने लिए शौकिया मैंने एक रख रखा है जानवर। कौन सा है बकरा ये? ये सब कोटा है ये। माशाल्लाह। सेल्फ फीडिंग पे है भराई पे? नहीं सेल्फ पे रखते हैं। माशाल्लाह। कोई भराई वराई नहीं, सेल्फ फीडिंग पे है ये। क्या डिटेल पे है अभी ये सब? ये 6 दांत के हैं और आई थिंक 38 के समथिंग हाइट होगी इसकी और जो भी है अपना पिंक स्किन में है। ओके जी। वेट कितना होगा? वेट इसका होगा अराउंड 65 के समथिंग। ओके, तो अपने फार्म पे वेट मशीन नहीं है अभी? है कि वेट मशीन भी है? वेट मशीन है, वो भी यूज में ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं। वेट तो मतलब बिल्कुल सब कुछ कंप्लीट ही है। जी जी, इवन ना आप छोटा मोटा अगर काम है तो मेरे पास चक्की भी लगी हुई है। अच्छा, तो आप दाना भी अपना जो है खुद ग्राइंड कर सकते हैं। मतलब जानवर लेके सीधे आ जाओ, किसी चीज की परेशानी नहीं है। किसी चीज की परेशानी नहीं, सीधे जानवर लाके आपको डालना है। बिल्कुल। तो कितने जानवरों की कैपेसिटी होगी आपके हिसाब से? 1500 स्क्वायर फीट है तो मैं समझता हूँ 100 जानवर तो बहुत आराम से आना चाहिए। और ये ओपन एरिया में जैसे गर्मी वगैरह में रखते हैं तो 100 क्या मैं 200-300 पहले अपन अंदर से शेड देख लेते हैं फिर आके थोड़ी सी और बात करते हैं डिटेल में। ये मेन गेट है शेड का? जी हाँ, ये मेन गेट है। इसमें जो कवर्ड कर रखा है मैंने की सर्दी वगैरह के हिसाब से। जी जी। बड़ा अंदर की लाइट चालू करवाना। ये देखिए साहब, मैंने सेपरेट जो है इनके ये बड़ा के लिए जी अलग अलग जो है 4 बाड़े बना रखे हैं। ठीक है, छोटे बच्चों को के लिए बना रखा है ये। जी, ताजे से सर्दी वगैरह काफी है तो छोटे बच्चे इसमें हो जाते हैं अंदर। बाकी ये बड़े बकरों के लिए, ये बड़े बकरों के लिए 1-2-3-4 केबिन बने हुए हैं जी, जिस जो जैसा चाहे डिवाइड करके रख सकता है। बिल्कुल जी। एक काला ये है कि बड़े बड़े बना रखे हैं ये आपने? जी हाँ, ये बड़े बना रखे हैं। इसमें पार्टीशन भी कर सकते हैं, जैसे ये जाली हटाओ तो यहाँ भी फीडर है चालू हो जाएगा। जी जी, जाली ये तो अभी मुर्गियों के लिए मैंने ऐसी जाली लगा दी है। ये भी अड़ी आएगी तो आप जैसे चाहें यूज कर सकते हैं। फीडर ऑलरेडी हैं सब में, अपने सेल्फ फीडर हैं। जी जी, ये पानी वगैरह के लिए अपने अलग बना रखा है मैंने, वहीं पर आप पानी डाल सकते हैं तगाड़ी में। ओके जी जी। हाइट भी अच्छी है तो गर्मियों में दिक्कत नहीं होगी? काफी हाइट है देखिए जी, पानी वगैरह का कोई इसमें चांसेस नहीं है अंदर आने के। और सर्दियों के लिए आपने अलग से प्लास्टिक लगा रखा है? प्लास्टिक लगा रखा है, गर्मियों में चाहे तो इसको आप ओपन कर दें। जी जी, ठीक है, ये सब देख लिए हमने। जी आइए अंदर भी मैं एक बता दूं आपको। जी जी, एक दफा वो भी देख लेते। जी जी, ये देखिए पूरी मैंगनी वगैरह यहीं डाल रखी है, पूरे खाद के काम आ जाती है। अच्छा। जो बाहर देखते हैं मैं खाद खरीदने की जरूरत नहीं होती, ये नेचुरल ऑर्गेनिक जो है खाद जो है मैंगनी से तैयार हो जाती है। यस यस। आइए शायद अब भाई, एक ये भी है। सॉरी जी, आइए ये सब फुल देसी है। और ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये खुद अपने ही अंडों पे से निकाले हुए मुर्गे हैं ये। माशाल्लाह। जी जी जी। तो कितने होंगे टोटल अभी? ये सब गिने हुए नहीं है, 25-50 ये हैं, 150-200 वो हैं। तो अगर ये देखिए अंडे भी पड़े हुए हैं। जी जी, जब आप रेंट पे दे दोगे तो फिर इनको कहाँ रखोगे आप? मेरे पास दूसरे भी हैं, इनको निकाल। आइए ना, आइए अंदर आइए, देखिए आपको ये बताऊंगा। ये देखिए साहब, ये बस ये शौक है। क्या करते हो फिर आप इतने अंडों का? ये सब आते हैं हमारे यार दोस्त हैं। अच्छा। ये देखिए, अच्छा ये एक टैंक है। ओके, वाटर टैंक। वाटर टैंक है इसमें, फिर अभी मैंने इसे क्लोज कर रखा है, पानी है और इसमें जो है देसी मंगूरे जैसे कहते हैं। हाँ हाँ, मंगूरे डले हुए हैं। अच्छा, वो भी पल रहे हैं। तो ये तो वैसे सिस्टम का काम यही है। जी जी, सबसे ऊपर बकरे, फिर उसके नीचे मुर्गा, फिर ये मछलियाँ। जी जी, ठीक है, ये भी देख लिया हमने। जी जी, चलते हैं बाहर। जी सर, आइए। आइए सर। जी, अब आप हमें सबसे पहले तो ये बताएं जी, कि ये अपन मीटर जो रहेगा इसका, उसका भी कैसा रहेगा? किरायनामा बना के आप दे देंगे? हाँ, वो जो भी शायद एग्रीमेंट जो भी होता है, 1000 रुपीज़ के स्टाम्प पे जो है वैलिड है आज की तारीख में, है ना?
उसके ऊपर जो भी है 11 मंथ्स का होता है या 22 मंथ्स का जैसा चाहे। ओके, मैक्सिमम कितना करोगे आप एग्रीमेंट? एग्रीमेंट वो तो बेड की बात हो जाएगी, जिससे अच्छा, मिनिमम 1 ईयर तो रहेगी। हाँ हाँ, और सबसे बड़ा भाई क्वेश्चन ये उठता है कि रेंट, जो रेंट रहेगा वो कितना रहेगा? रेंट अब वो तो बेड के बात होगी भाई, जो भी है आप देख रहे हैं इतना बड़ा सेटअप है फुल, मतलब इसमें कंप्लीट है, इसमें एक रुपया नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप अपना जानवर लाएं और अपना अनाज लाएं और शुरू कर दें। बिल्कुल जी, क्योंकि मोटा हिसाब बताते कि इतना अमाउंट कम से कम, अब इसमें कम से कम 25,000 रुपए महीना तो आए मेरा, ये मतलब आपका डिमांड है, बाकी कोई बेट के बात करेगा तो कर लेंगे इंशाल्लाह, जो भी हो रिलायबल पर्सन हो। जी जी, अपन इंशाल्लाह ठीक है, जैसी भी है गुंजाइश। तो आप किस टाइम पे भाई फोन उठाने के लिए? नहीं, नमाज में अगर मैं नहीं उठाता हूँ फोन तो इंशाल्लाह कॉल बैक जरूर करूंगा। बिल्कुल, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है, मेरा फोन जो है बिजनेस पर्पस के लिए है, तो ऐसा नहीं है कि फोन नहीं उठा रहा है, अगर फोन किसी वजह से नहीं उठता है तो मैं कॉल बैक जरूर करता हूँ। चलिए बेहतर है। अब भाई आपका नंबर स्क्रीन पे है, पूरा फॉर्म हमने देख लिया, अब जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो इंशाल्लाह आपको जरूर कॉल करेंगे। जी जी ठीक है। सबसे मेन चीज क्या है शादाब भाई, बहुत ही मतलब अप्रोच जो है ना इसकी बहुत जबरदस्त है। जी माशाल्लाह, वो सब देखा हमने। जी जी, बहुत जबरदस्त अप्रोच है। आप इसमें आप मैप पे भी डाल के सर्च करेंगे, ड्रीम ऑर्गेनिक्स एंड गोटरी के नाम से है, गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको ड्रीम ऑर्गेनिक्स एंड गोटरी आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, गूगल मैप पे भी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया है, लोकेशन है उसके ऊपर। जी जी, लोकेशन दी हुई है और कैंपियन स्कूल भी, आप जो ऊपर खड़े भी, तो ये मकानात बन गए। जी जी, तो दिखता नहीं है, सामने कैंपियन स्कूल भी दिखाई देता है। जी जी, वो 300 मीटर ही बिल्कुल हाईवे रोड है। बिल्कुल जी, कार वगैरह एनी टाइम आप यहाँ पर ला सकते हैं। जी, बारिश कितनी ही बारिश हो रही हो आप यहाँ पर अंदर आ सकते। हाँ, वो सब कोई दिक्कत है ही नहीं है। जी जी ठीक है भाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, पानी वगैरह का सब स्टोरेज है सर, आप वो भी दिखा दीजिए। जी जी, वो अपन ने देखा ना अभी। जी जी, पानी का भी स्टोरेज है सर। ठीक है नावेद भाई, है ना? ठीक है, अल्लाह हाफिज़।